Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 12.1 from chapter 12 mensuration. And इस exercise को start करने से पहले हम कुछ important formula देख लेते हैं, देनी से solve करेंगे. तो first triangle को देख लेते हैं. तो triangle का area हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए triangle के area का formula ये आपका given है 1/2 into b into h. यहाँ पे b यानी कि base and h for height. Clear? अब इस triangle में समझिए, ये जो h लिखा है, h यानी कि यहाँ से यहाँ perpendicular आ रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइट. ये हमेशा आप ध्यान रखना, हाइट ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स. क्लियर? टू साइड्स के बीच वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है. ये देखिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री. क्लियर? तो जब हम इस पार्ट को बेस मान लेते हैं तो ये हमारा हाइट होता है. अगर मान लो इस साइड को आप बेस मान ले रहे हो, ठीक है, अगर हम इसे बेस लेते हैं तो हमारा हाइट किधर से जाएगा, ये हमारा हाइट बन जाएगा. इसी तरह से अगर इस पार्ट को हम बेस मान लेंगे तो हाइट हमारा इस तरीके से आएगा. क्लियर? सो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच. नाउ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी, ए यानी कि लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. क्लियर? एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी. क्लियर? यहाँ ए लिखा है, ए की जगह आप एल ले सकते हो. नाउ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हम क्या होता है फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर. साइड यहाँ ए माना गया है, सो ए स्क्वायर. आप साइड स्क्वायर लिख के सॉल्व करना, इजी होगा. नेक्स्ट साइड ऑफ, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड. क्लियर? यहाँ पे ए क्या है, साइड है. नाउ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम का सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है. तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे. सेम इसी तरह से ये साइड एंड ये साइड, ये एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होंगे. क्लियर? नाउ पैरेललोग्राम में अब हाइट के बारे में समझते हैं. देखिए जब हम इसे बेस लेते हैं, इसे बेस लेते हो तो ये हमारा हाइट बनता है इस तरीके से. अगर इस पार्ट को हम बेस मान लेंगे तो हाइट हमारा ऐसे जाएगा. इधर बेस लेते हैं तो ये हाइट. क्लियर? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पैरेललोग्राम के लिए, एरिया का फॉर्मूला हमारा हो जाता है बी इंटू एच, दैट मीन्स बेस इंटू हाइट. बेस से जब हम हाइट को इंटू कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा. एंड पैरेललोग्राम के पेरीमीटर के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी. क्लियर? नेक्स्ट फिगर सर्कल. तो सर्कल में देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे ये जो लाइन आ रही इसे हम रेडियस बोलते हैं. क्लियर? तो रेडियस ये हो गया. नाउ एरिया, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. क्लियर? एंड पेरीमीटर सर्कल का हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर. यहाँ पे पाई की वैल्यू हमेशा आप याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7, फ्रैक्शन में 22/7 लिखते हैं. और अगर डेसिमल में लिखना है तो इसे हम लिखते हैं 3.14. ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये पाई की वैल्यू होती है. क्लियर? तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, तभी हम चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन 1 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 9:5. इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 14580 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग्स द फील्ड विद अ फेंस एट द रेट ऑफ ₹16.25 पर मीटर. तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ हमारा रेशियो में गिवन है. तो रेशियो में गिवन होता है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि लेंथ 9x है एंड ब्रेथ 5x है. क्लियर? फील्ड का एरिया हमारा गिवन है एंड हमें कॉस्ट दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर पर, यानी कि 1 मीटर पे कितना खर्च आ रहा है वो हमें दिया गया है. तो हमें इस पे टोटल कितना खर्च आ रहा है सराउंडिंग्स द फील्ड, कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विद अ फेंस, यानी कि फेंसिंग करने में टोटल कितना खर्च आ रहा है वो निकालने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि जो फील्ड है ये फील्ड कितना बड़ा है ना, सराउंडिंग्स में निकालना है, दैट मीन्स हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा. तभी तो पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री को बोलते हैं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. तो टोटल बाउंड्री, पूरा बाउंड्री कितना बड़ा है वो निकालेंगे, तभी तो हम उस पर खर्च निकाल सकते हैं कि टोटल इसके फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट होगा आएगा. क्लियर? तो हमें पेरीमीटर निकालने होंगे एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. क्लियर? तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, लेंथ ब्रेथ हमारे पास है नहीं, रेशियो में दे रखा है. सो पहले लेंथ एंड ब्रेथ को सॉल्व करेंगे, देन हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को सॉल्व करेंगे. सो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू 9x, ब्रेथ 5x, बिकॉज 9 एंड 5 हमें रेशियो में गिवन है. सो लेंथ 9x, ब्रेथ 5x मान लिया. देन एरिया गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिख लेंगे. तो एरिया हमारा गिवन है 14580 स्क्वायर मीटर गिवन है. क्लियर?
So L into B, length into breadth is equal to 14580. क्लियर? एरिया का फॉर्मूला में हमारा क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. सो हम लिख लेंगे एरिया यानी कि एल इंटू बी इज इक्वल टू 14580. क्लियर? लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, दैट मीन्स वो हमारा रेक्टेंगल शेप. सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने लिख लिया. नाउ एल हमने लिया है 9x, ब्रेथ हो गया 5x. सो लिख लेंगे 9x इंटू 5x इज इक्वल टू 14580. अब 9x इंटू 5x, तो 9 इंटू 5 45, x इंटू x इज एक्स स्क्वायर, बिकॉज वेरिएबल्स जो होते हैं अगर इंटू के फॉर्म में हो तो इसके डिग्री को हम प्लस कर ले, तो यहाँ 1, यहाँ 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो एक्स स्क्वायर. सो 45 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14580. क्लियर? नाउ इसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो पहले 5 से डिवाइड किया, अब देखिए इक्वल टू का साइन है, तो इस तरह से दोनों तरफ लिखा है नंबर, तो इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको इसे समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14580 अपॉन 45. इस तरह से करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया डिवाइड. तो पहले 5 से डिवाइड किया, 5 9 45, 5 से 14580 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 2916. क्लियर? नाउ 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, एंड 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 972. क्लियर? नाउ इस 3 से 972 को डिवाइड किया तो आ गया हमारा 324. अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324 आ गया. क्लियर? नाउ हमें ओनली x चाहिए, तो जब हम x लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 324. क्लियर? तो ये हमारा हो गया 18 मीटर. 18 का स्क्वायर 324 होता है, सो x इक्वल टू 18 मीटर. क्लियर? अब x की वैल्यू आ गई, सो ये 9x एंड 5x को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इस आगे का मैंने यहाँ लिख दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 9x हमने लिया था, सो 9x इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू 18, सो 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 162 मीटर. नाउ ब्रेथ 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90 मीटर. क्लियर? अब हमारे पास लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया. नाउ हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल 162 एंड बी आ गया 90. सो 162 प्लस 90, नाउ 2 इंटू इन दोनों को प्लस किया तो 252, इसे इंटू करेंगे तो ये आ गया हमारा 504 मीटर. क्लियर? अब पेरीमीटर हमारे पास आ गया, दैट मीन्स 504 मीटर इतना बड़ा फील्ड है. क्लियर? अब 1 मीटर का हमें दे रखा है खर्च, तो 504 मीटर में कितना खर्च आएगा ये तो आसानी से निकल जाएगा. सो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹16.25, ये हमारा गिवन है. दियर फोर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 504 मीटर इज इक्वल टू ₹16.25 इंटू 504, इसे इंटू करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर ₹8190 इज द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन टू इज अ रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाई 9 मीटर. क्लियर? दैट मीन्स लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ 9 मीटर दिया गया है एक रेक्टेंगल का. नाउ फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जिसका एरिया, दैट मीन्स स्क्वायर का एरिया इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया का. By how much does the perimeter of the rectangle exceed the perimeter of the square? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है. क्लियर? तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, सो लेंथ एंड ब्रेथ से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं. सो हमने लिख लिया लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, सो एल इंटू बी, एल 16, बी 9 है, सो 16 × 9 इज इक्वल टू 144 cm². नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर को, तो वही हमने लिख लिया, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारा गिवन है, सो इज इक्वल टू 144 cm². क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला 144, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी 144 होगा. क्लियर? देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 ले लिया यहाँ पे इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर. हमें क्वेश्चन में वन साइड निकालना है, सो यहाँ पर हम साइड स्क्वायर लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला. नाउ ये साइड स्क्वायर 144 है, तो ओनली साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
12 मीटर 144 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 12 मीटर 12 इंटू 12 इज 144। सो 12 मीटर आ गया, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया हमारे पास 12 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें बताना है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना बड़ा, तो इसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना होगा दोनों का। सो हमने निकाल लिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ 2 इंटू एल 16 एंड बी 9, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, सो वही लिख लेंगे। इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 मीटर आ गया। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4s इज इक्वल टू 4 इंटू वन साइड हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया है स्क्वायर का। सो 12 मीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो 12 में, ये ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ यहाँ पे, साइड ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो ये 12 मीटर हमने निकाला, वही 12 से इंटू कर लेंगे 4 को, इज इक्वल टू 48 मीटर। क्लियर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में से पेरीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2 मीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एग्जिट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाय 2 मीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का साइड हमें दिया गया है 24 एंड 18 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर, कह रहा है लॉन्गर साइड का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो हमें शॉर्टर साइड का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। क्लियर। तो फर्स्ट हम फिगर को समझ लेते हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम हमारा है, ठीक है, ये साइड इक्वल है एंड एक दूसरे के पैरेलल है। सेम ये साइड एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल है। क्लियर। नाउ हमें इसमें कहा गया है पैरेललोग्राम का दो साइड दिया गया है 24 एंड 18 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर, ये 24 है, दैट मीन्स ये भी 24 है। ये साइड 18, दैट मीन्स ये भी हमारा 18 सेंटीमीटर है। क्लियर। नाउ लॉन्गर साइड 12 सेंटीमीटर दिया गया है, लॉन्गर साइड दैट मीन्स ये जो साइड है 24 एंड 24, इन दोनों का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी कि हाइट, तो हाइट भी ये कितना है, परपेंडिकुलर होता है। सो ये देखिए परपेंडिकुलर एंड ये 90 डिग्री यहाँ पे। क्लियर। सो ये हमारा हाइट हो गया, तो ये हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ हमें शॉर्टर साइड का हाइट पूछा जा रहा है, शॉर्टर साइड दैट मीन्स ये 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों का क्या डिस्टेंस है ये बताने, तो इन दोनों का ये हमने हाइट ले लिया। क्लियर। तो यही हाइट का लेंथ हमें बताना है, जिसे एक्स मान लिया हमने। क्लियर। सो हम लिख लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये शॉर्टर साइड है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स मान लिया हमने। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। क्लियर। बेस यहाँ देखिए अभी 24 और हाइट हमारा ये गिवन है 12। क्लियर। तो 24 इंटू 12 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने बिगर साइड का एरिया निकाल लिया। नाउ 288 इज इक्वल टू 18x, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस साइड का ऐसे जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये एरिया जितना होगा वही एरिया तो इस पार्ट का होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का जो एरिया है सेम एरिया यहाँ से यहाँ का होगा। क्लियर। क्योंकि पूरा एरिया तो सेम ही होगा। सो हमने लिख लिया 288, यानी कि बिगर पार्ट का एरिया इक्वल है शॉर्टर पार्ट का। सो इज इक्वल टू 18x, इक्वल टू का साइन है तो यहीं पे मैंने डिवाइड कर लिया। तो इसे देखिए सबसे पहले 9 से डिवाइड किया, 9 टू जार 18, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 32, नाउ 2 से 32 डिवाइड किया तो 16। सो x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमने शॉर्टर साइड का डिस्टेंस निकाल लिया और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो x 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज राजेश हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक प्लॉट है जिसमें वो प्लॉट के सेंटर में जो राजेश है वो एक हाउस बनाना चाह रहा है एंड इस हाउस के चारों ओर गार्डन बनाना चाह रहा है। क्लियर। मेजरमेंट हमारा गिवन है एंड कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 250 रुपीज़ का खर्च आ रहा है, तो पूरा गार्डन डेवलप करने में उसे कितना खर्च आएगा ये निकालने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हाउस एंड प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे, तभी हम टोटल एरिया यानी कि गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं। और जब टोटल निकल जाएगा तो हम आराम से कॉस्ट निकाल लेंगे। तो चलिए इसे करके देखते हैं कि कैसे करना है।
सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। अभी देखिए ये हमारा स्क्वायर फिगर है एंड ये यहाँ पे दे रखा है 24 एंड ये 24 मीटर। सो प्लॉट का एरिया निकालेंगे। तो प्लॉट का एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 24 × 24, ये 24, ये 24, दैट मीन्स ये भी 24, ये भी 24, चारों ओर से 24 है। सो साइड का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ, 24 × 24 = 576 स्क्वायर मीटर। नाउ हमारा एरिया ऑफ हाउस, ठीक है, तो इस प्लॉट का हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ हाउस निकालेंगे। एरिया ऑफ हाउस में देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर, ये हमारा रेक्टेंगल शेप में है, ये फिगर मेरा स्क्वायर बन गया, ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। नाउ लेंथ एंड ब्रेथ देखिए 18 and 12, सो एरिया ऑफ हाउस ये हो जाएगा एल इंटू बी, दैट इज 18 × 12 = 216 स्क्वायर मीटर, क्लियर। देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन यानी कि टोटल एरिया हमें निकालना है, तो टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ प्लॉट निकाला हमने, इस प्लॉट में से हाउस के एरिया को माइनस कर देंगे तो गार्डन का एरिया निकल जाएगा। सो वही हमने लिख लिया, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस इज इक्वल टू, तो ये अपनी हमने निकाला प्लॉट 576 मीटर स्क्वायर माइनस 216 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर गार्डन, ये हमारा गिवन है ₹250, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 360 स्क्वायर मीटर गार्डन इज इक्वल टू ₹250 × 360 × करेंगे तो ये आ जाएगा ₹90,000 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कंक्रीट सर्कल्स इज 770 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, क्लियर। ये हमारा सर्कल दिया गया, आउटर सर्कल का हमें रेडियस पता है 21 सेंटीमीटर एंड एरिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये इनर पार्ट दैट मीन्स यहाँ से एंड यहाँ, इस पार्ट का हमें रेडियस निकालने हैं। सो स्मॉल आर को मैंने मान लिया रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, ये जो इनर सर्कल है हमारा यहाँ से इस पार्ट से लेकर यहाँ तक, इसे हमने स्मॉल आर मान लिया एंड ये जो आउटर सर्कल का एरिया है, एरिया आउटर सर्कल का, इसे कैपिटल आर ले लेंगे। सो वही हमने लिख लिया, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सर्कल, कैपिटल आर इज इक्वल टू आउटर ऑफ सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस एंड ये हमारा गिवन है 21 सेंटीमीटर, क्लियर। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हम इस आउटर सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आउटर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एंड इसका रेडियस हमने आर, यहाँ रेडियस है जिसे कि हमने कैपिटल आर लिया है, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया पाई एंड कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर सर्कल इसका सर्कल का निकाल रहे हैं। नाउ पाई इंटू रेडियस 21 दिया है, सो 21 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये 21 का स्क्वायर आ जाता है 441। नाउ 7 से इसे डिवाइड करेंगे 63, 22 × 63 = 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ कहा जा रहा है हमें क्वेश्चन में गिवन है सर्कल के बीच का एरिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल्स, बिटवीन सर्कल्स निकालने हैं। सो हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल को माइनस कर देंगे तो इनके बीच का एरिया निकल जाएगा, तो वही हम लिख लेंगे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल्स ये हमारा गिवन है 770 क्वेश्चन में, सो 770 इज इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया अभी हमने निकाल लिया, वही लिख लेंगे 1386 माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, क्लियर। नाउ एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1386 माइनस 770, ये प्लस में है, लेफ्ट टू राइट आएगा सो माइनस बन जाएगा। नाउ इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल हमने निकाल लिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इसका फार्मूला ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 हो गया, क्लियर। नाउ पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 स्मॉल आर बिकॉज इनर सर्कल को कर रहे हैं, क्लियर। नाउ देखिए ये डिवीजन फॉर्म में हमारा है, इक्वल टू का साइन बीच में, तो यहीं पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड करेंगे इसे 11, 2 से इसे किया 308,
नाउ 11 से 308 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28। क्लियर। अब ये 28 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू करेंगे 196। अब ये स्क्वायर में है 196, सो ओनली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना है इनर पार्ट का रेडियस, सो 14 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। एंड अगर किसी बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आया इसे मैं तरीके से यहाँ समझा देती हूँ। तो देखिए इस पार्ट को अगर सॉल्व करके हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर को अलग कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 616 इंटू 7 अपॉन ये 22। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से ये डिवाइड किया 11, 2 से इसे 616 को करेंगे 308, अगेन 11 से इसे डिवाइड किया 28 टाइम्स, नाउ 28 इंटू 7 इज 196। क्लियर। तो इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन टू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक कॉपर वायर को स्क्वायर के फॉर्म में क्लोज किया गया, बेंड किया गया, तो वो एरिया टोटल 121 स्क्वायर सेंटीमीटर का आ रहा है। अगेन उसी वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड किया जाता है तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालने हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा गिवन है, जब हम स्क्वायर फॉर्म में वायर को बेंड करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। वायर को कॉपर वायर को कहा जा रहा है कि स्क्वायर जब बेंट किया गया, स्क्वायर में बेंट किए एंड इसी वायर को अगेन सर्कल में किया गया तो इसका एरिया 121 गिवन है। सो हमने लिख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड इसका क्या हो जाएगा, तो साइड निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू ये मतलब साइड इंटू साइड, सो वन साइड हम लेंगे तो वन साइड जब लेंगे तो ये स्क्वायर में है सो रूट में आ जाएगा अंडर रूट 121 तो इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कोई ये जो साइड है सो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, कोई भी आप साइड ले लीजिए तो ये 11, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11, ये भी 11 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। तो साइड हमारे पास जब स्क्वायर का एक साइड हमारे पास है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 स्क्वायर 44 सेंटीमीटर। क्लियर। तो स्क्वायर का हमारे पास पेरीमीटर आ गया 44। क्लियर। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए अब ये पूरा 44 है तो इसी 44 को जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये पूरा भी तो 44 ही आएगा, सो लिख लेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr इज इक्वल टू 44। नाउ 2 से 44 को डिवाइड किया 22, तो पाई आर इज इक्वल टू 22। इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू डालिया है ना, यहाँ पाई आर यानी पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। अगेन 22 से 22 कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसे एक बार और मैं आपको समझा दूँ, देखिए जब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ये 22 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं अपॉन ये 22। क्लियर। 22 से 22 का आंसर, सो आर इक्वल टू 7, तो इसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। क्लियर। तो रेडियस हमारा आ गया आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या होता है, सेंटर से सेंटर टू सर्कमफेरेंस, ये हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। नाउ एरिया निकाल लेंगे इसका, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल लिख लेंगे, यहाँ मैंने छूट दिया था, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ हमने 7 लिया है तो स्क्वायर है, सो आर इंटू आर दैट इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 22 इंटू 7 कर लेंगे तो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो सर्कल का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 154। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग 30 मीटर वाइड, अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है 45 मीटर लॉन्ग 30 मीटर वाइड। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 45 लेंथ हो गया, ब्रेथ 30, ये 30 दैट मीन्स ये भी 30, ये 45 मतलब यहाँ से यहाँ भी 45। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर जो पार्क है इसमें पार्क के चारों ओर है ना आउटसाइड पार्क के बाहर की ओर से पाथ बनाया गया है, तो पाथ कैसा बनाया गया 2.5 सेंटीमीटर वाइड है,
दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका पार्क है, ये पाथ हो गया, पार्क के आउटसाइड में पार्क बनाया, पाथ बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 होगा, चार ओर से 2.5 आएगा, क्लियर। सो यहाँ हमें पूछा गया है एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो पाथ है इसका टोटल क्या एरिया है ये फाइंड करने हैं। सो हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो पहले इनर एक रेक्टेंगल का लेंथ निकालेंगे, क्योंकि आउटर रेक्टेंगल का लेंथ पता है ये टोटल 45 है, ठीक है, एंड ब्रेथ 30 है। तो इनर का यहाँ से यहाँ इसका लेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे अब यहाँ फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ का दूरी 45 है, ठीक है, इसी 45 के बीच में से ये लिया गया है। तो ये 22.5 है यहाँ से यहाँ की। अब इस पार्ट में देखिए, इसी पार्ट को अगर इस रेक्टेंगल को हम ऐसे बड़ा कर दें, इस तरह से आगे बढ़ाते दोनों साइड, तो देखिए 2.5 यहाँ से यहाँ का दूरी, ये 2.5, क्लियर। तो इस 45 में से टोटल में से 2.5 इधर हम हटा देंगे, इधर हटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आ जाएगा, क्लियर। सो वही हमने कर लिया, 45 माइनस 2.5 प्लस 2.5, इस पार्ट को ऐड करके 45 से माइनस। सो 45 इज इक्वल टू 45 माइनस 5, दोनों को प्लस किया, 5 इज इक्वल टू 40 मीटर, क्लियर। इसी तरह से ब्रेथ निकालेंगे, तो लेंथ हमारा इनर रेक्टेंगल का आ गया 40 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से इनर रेक्टेंगल ये हमारा 40 मीटर आ गया, क्लियर। अब इसी तरीके से ब्रेथ इस पार्ट को निकालेंगे, तो इस पार्ट को निकालने के लिए देखिए ये इसे हम आगे बढ़ाएं, यहाँ आ जाएगा ये इधर, क्लियर। एंड यहाँ से यहाँ ये 2.5 है, तो ये भी 2.5, तो 2.5 इस पार्ट को और इस पार्ट को हम हटा लेंगे, दोनों को ऐड करके 30 से माइनस कर लेंगे। सो वही लिख लिया, 30 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इजकल टू 30 माइनस, दोनों को ऐड किया, 5, 25 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ आ गया, तो इनर रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ ब्रेथ अभी हमने निकाला 40 इंटू 25 इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकालेंगे। अब देखिए आउटर रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन है, सो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया अगेन फार्मूला, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल एल इंटू बी, दैट इज 45 इंटू 30 इज इक्वल टू 1350 मीटर स्क्वायर, क्लियर। Therefore, area of path is equal to, तो देखिए ये जो पाथ है हमारा, इनका एरिया निकालना है, तो क्लियर है। इनके एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया हमने निकाला इसमें से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो वही हमने लिख लिया, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, 1350 माइनस 1000 इज इक्वल टू 350 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, अ कारपेट ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 2 मीटर हैज 25 सेंटीमीटर वाइड रेड बॉर्डर, ठीक है, एक कारपेट है 5 इंटू 2 मीटर जिसका कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर बॉर्डर रेड कलर से है। द इनर पार्ट ऑफ द कारपेट इज ब्लू इन कलर, कारपेट का इनर पार्ट ब्लू कलर में है, फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन, उस ब्लू पोर्शन का हमें एरिया निकालने हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड पोर्शन टू ब्लू पोर्शन, साथ ही रेड पोर्शन एंड ब्लू पोर्शन के एरिया का रेशियो फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक कारपेट है, ठीक है, अब कारपेट हमारा कह रहा है 5 इंटू 2 है, दैट मीन्स लेंथ 5 मीटर ब्रेथ हमारा 2 मीटर, ठीक है, टू पूरा कारपेट जिसका ये देखिए लेंथ 5 एंड ब्रेथ 2 मीटर है। अब इसमें हमें कह रहा है कि इनर पार्ट जो है वो ब्लू कलर का है, एंड इस इनर पार्ट का हमें एरिया फाइंड करने हैं, ठीक है, एंड ये जो आउटर पार्ट है जो ब्लू से बाहर यानी कि बॉर्डर है ना, ये चारों बॉर्डर रेड कलर का है, रेड कलर का कितना वाइड है 25 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से ये 25 बॉर्डर और चारों ओर से 25 सेंटीमीटर, क्लियर। सो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया ऑफ कारपेट, सबसे पहले एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो 5 इंटू 2 इज 10 मीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ ब्लू पोर्शन, अब इस ब्लू पोर्शन का हमें लेंथ निकालना है, क्लियर। तो अगेन पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, अब यहाँ से यहाँ 5 मीटर है एंड ये हमारा 25 सेंटीमीटर का आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ 25, चारों से 25, दैट मीन्स लेंथ निकालना है। तो लेंथ के लिए अगर इस पार्ट पोर्शन को इधर बढ़ाएंगे, इस पोर्शन को हम इधर बढ़ाएंगे, तो ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा जा रहा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें हटाना है, तो इन दोनों तरफ के एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड करके 5 से माइनस कर देंगे, क्लियर। एंड उससे पहले ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 इंटू 25, दैट इज
25/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.20 नीचे है, सो टू डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.25 यानी कि 0.25 मीटर हो जाएगा। क्लियर? सो लेंथ ऑफ ब्लू पोर्शन इज इक्वल टू हमने लिख लिया 5 - 0.25 + 0.25 मीटर में, है ना, सेंटीमीटर को हमने अभी मीटर में कन्वर्ट किया, तो इक्वल टू 5 - 0.5 दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5, अब 5 में से माइनस किया तो 4.5 मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ब्लू पोर्शन 4.5 यानी कि इस पोर्शन से, यहाँ से यहाँ का लेंथ हमारा आ गया 4.5 मीटर। अब इसका ब्रेथ निकालेंगे, नाउ ब्रेथ ऑफ ब्लू पोर्शन इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ ब्रेथ में भी समझ लेते हैं, अब ये ब्रेथ यहाँ से यहाँ 2 मीटर दे रखा है एंड एक्स्ट्रा हमारे पास इधर 25 25, क्लियर, तो 25 + 25 सेंटीमीटर को ऐड करके 2 मीटर से माइनस करेंगे एंड सेंटीमीटर को तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सो हमने लिख लिया 2 - 0.25 + 0.25। अब ये 0.25 कहाँ से आया समझ गया, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हमने। नाउ 2 - 0.5 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब ये ब्लू पोर्शन का हमारे पास लेंथ भी आ गया, जब ब्रेथ एंड लेंथ दोनों आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, सो एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आ गया 4.5, यहाँ 4.5 अभी लेंथ हमने निकाला एंड ब्रेथ 1.5, दोनों को इनटू करेंगे तो 6.75 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एक आंसर हो गया फर्स्ट, एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन का। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ रेड पोर्शन इज इक्वल टू 10 - 6.75, तो देखिए एरिया हमारे पास 5 × 2 यानी कि 10 कारपेट का एरिया निकाला हमने, अब रेड पोर्शन चाहिए तो इसका एरिया 10 में से माइनस कर देंगे हम किसे, ब्लू पोर्शन के एरिया को, ठीक है, टोटल एरिया में से इस ब्लू को माइनस करेंगे तो रेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, तो वही हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ रेड पोर्शन इज इक्वल टू 10 यानी कि टोटल एरिया -6.75, टोटल एरिया कारपेट का एरिया हो गया इज इक्वल टू 3.25 मीटर स्क्वायर। नाउ रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ रेड पोर्शन टू ब्लू पोर्शन इज इक्वल टू, तो रेड पोर्शन का एरिया 6.75 है पहले एंड रेड पोर्शन का भी हमने निकाला 3.25, तो पहले 3.25 लिखेंगे इज टू 6.75, देन ब्लू पोर्शन का एरिया इसे डिवाइड करेंगे तो 25 से 325 को डिवाइड कर, सबसे पहले देखिए पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, नाउ 25 से 325 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 इज टू, अगेन 25 से 675 को डिवाइड करेंगे तो 27, सो 13:27 इज द आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया एरिया ब्लू पर्सन, नाउ रेशियो 13:27। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।